दे स्टार एपिक्स न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज का स्टार का वार। दोस्तों, आज हम मिलाएंगे हमारे परिसर के नव नियुक्त DYSP उप विभागीय पुलिस अधीक्षक रीना जनबंधु से। इनसे मुलाकात ली हमारे संवाददाता नागेश गिरे ने। आइए देखते हैं इनकी खास बातचीत। नमस्कार, मैं नागेश गिरे आपका स्वागत करता हूँ स्टार एपिक्स न्यूज में। फिर से हम हमारे एक खास बातचीत शो में आए हैं। आज हम आपका परिचय कराएंगे उस हस्ती से या फिर उस इंसान से जो हमारी रक्षा और सुरक्षा के लिए दिन रात एक करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पुलिस की। लेकिन पुलिस में हमारे यहाँ पे जो अभी अभी नई पोस्टिंग मिली है मिस रीना जनबंधु जी की, जो इससे पहले नागपुर में ACP तौर पे कार्यरत थी और अभी अभी हाल ही फिलहाल में हमारे यहाँ पे अभी अभी उनकी पोस्टिंग हुई है उप विभागीय अधिकारी पुलिस अधिकारी बुट्टीपुरी शहर में। आप यहाँ पे आए हो अभी अभी, पहले तो आपका स्टार एपिक्स न्यूज में और बुट्टीपुरी शहर में स्वागत है। बुट्टीपुरी एमआईडीसी SFN के 2 नंबर की सबसे बड़ी MIDC है। तो आप जहाँ से, इसके पहले भी क्राइम रेट था लेकिन आप आने के बाद थोड़ा कम हो गया, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटी है जिनके बारे में आपने बहुत ही बेखूबी तरीके से उसको सॉल्व किया है, तो आप कुछ जानकारी उस घटनाओं के बारे में देना चाहेंगे? तो सबसे पहले थैंक यू कि आप हमारा यहाँ पर वेलकम कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे आने के बाद तो काफ़ी सारी केसेस हुई है पर सारी सॉर्ट आउट हो गई। बस एक ही हमारे आगे अभी चैलेंज है, जो हमको बुट्टीपुरी पुलिस स्टेशन अंतर्गत घोड़ेघाट गांव में एक बॉडी मिली है जिसके आरोपी भी मिल गए हैं, पर हमको अभी उसका जो डिसीज्ड है, जो मृतक है, उसकी आइडेंटिफाई अभी तक डिस्क्लोज नहीं हो पाई है। तो मैं तो जनता से पब्लिकली आह्वान करती हूँ कि जिस किसी को उस इंसान के बारे में पता है तो वो प्लीज़ हमें कोऑपरेट करे, हेल्प करे उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होने में, ताकि हमको बाकी जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें काफ़ी सुविधा हो। बाकी आरोपी की साइड से तो हमारा इन्वेस्टिगेशन हो गया है और चार्जशीट भी चली जाएगी 1-1.5 महीने में। सबसे इम्पोर्टेंट है कि उस इंसान जो मृतक है उसको न्याय दिलाने के लिए वो बंदा कौन है, इसके बारे में हमें अगर जानकारी मिली, आपके चैनल के थ्रू भी मिली, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। मैम, अभी आगे की क्या योजना है आपकी बुट्टीपुरी शहर में सुरक्षा की? जैसे अभी कुछ सन आ रहे हैं, मतलब गणपति पास में है, उसके बाद में अभी धार्मिक सन भी बढ़ने वाले हैं और यहाँ पे बुट्टीपुरी बाजार का शहर रहने की वजह से काफी यहाँ पे हलचल रहती है, तो इसके बारे में आपकी आगे क्या योजना है? बुट्टीपुरी शहर ये 2 से 3 शहरों को जो नियर बाय है, वर्धा, चंद्रपुर और नागपुर, इन 3 मेजर शहरों को जोड़ने वाला एक जंक्शन बोल सकते हैं, जहाँ से हेवी ट्रैफिक होता है। और जब हम भी यहाँ पे आने के पहले देखते हैं कि मैक्सिमम यहाँ पे एक्सीडेंट्स के प्रमाण बहुत है, बहुत सारी जाने बिना वजह जाती है। उसके लिए हमने ट्रैफिक का कंट्रोल किया है, आप देख सकते हैं अभी की ट्रैफिक का नियोजन, मैं आने के बाद तो एक भी इंसिडेंट हुआ नहीं है अभी तक। उसके बाद हम वहाँ पे CCTV कैमरा लगाने का भी नियोजन था, पर वहाँ पे अभी ब्रिज का काम शुरू होने वाला है, सॉइल टेस्टिंग शुरू है, तो वो भी काम बहुत जल्दी हो जाएगा। तो अगर कोई ऐसे अननोन बंदा एक्सीडेंट करके चला जाता है तो हमारे कैमरे में कैप्चर हो जाएगा और हमको पता चलेगा, हम उसको ढूंढना हमारे लिए काफी ईजी हो जाएगा। दूसरा, MIDC में जो एरिया है अपना, वहाँ पे जो कंपनीज है, जो फैक्ट्रीज है, वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट विषय ये है, मैंने वहाँ का जो एसोसिएशन है उनसे भी बात किया है कि वहाँ पे जनरली जो भी लेबर क्लास आता है उनका डेटा नहीं होता है अपने पास, या उनके कुछ ID प्रूफ्स नहीं होते हैं। डेटा बैंक रेडी करने के लिए बोला है मैंने हर एक कंपनी को, ताकि वो अपना डेटा बैंक तैयार करे, ताकि ऐसा कोई बंदा जो मिसिंग हो या किसी की डेथ हो जाए जिसकी आइडेंटिटी हमको उस कंपनी से मिल पाए, उसके लिए मैंने उनको एक डेटा बैंक बनाने के लिए बोला है। और जो फेस्टिवल्स आने वाले हैं, अभी हाल ही में एक बकरीद है, उसके लिए हमारे मोस्टली सारे पुलिस स्टेशन्स में जो हमारे मुस्लिम बांधव हैं उनकी मीटिंग्स हो चुकी है। जो इलीगल ट्रांसपोर्टेशन होता है एनिमल्स का, उसके ऊपर हमारी कार्रवाई शुरू है। और मैं तो उनसे निवेदन करती हूँ कि जो भी रहेगा वो शांति से बना रहेगा तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, भाईचारा बना रहेगा। मैम, अभी जैसा अगर बुट्टीपुरी वर्धा अपने जैसा चंद्रपुर बोला, तो यहाँ पे जो चंद्रा में दारू बंदी है, लेकिन ज़्यादा करके जो दारू तस्करी जो होती है वो अपने यहाँ से अपने थ्रू होती है, तो इसके ऐसे कुछ केसेस अभी हाल ही फिलहाल में पकड़े गए थे, तो उसको रोकने के लिए आपने क्या परियोजना बनाई है? एकदम बराबर है, वर्धा और चंद्रपुर ये दारूबंदी डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से नागपुर से सप्लाई होता है और वो इलीगल सप्लाई होता है। हमने जगह जगह पे अभी तो चेक पोस्ट लगाए हैं जहाँ पे हर गाड़ी चेक होती है,
इवन चंद्रपुर में भी और वर्धा में भी एंट्री के पहले कुछ चेक पोस्ट लगाए हैं जहां पे दारू चेकिंग होती है। तो ऐसे किसी भी प्रकार का इलीगल ट्रांसपोर्टेशन अगर लीकर का होता है तो हम भी यहां पे अपने यहां पे कार्रवाई कर रहे हैं, वो लोग भी कार्रवाई कर रहे हैं। मैम अभी तक का ये अभी मतलब कार्य से रिलेटेड सवाल था, लेकिन ये सवाल थोड़ा आपके जो अभी तक का स्ट्रगल था, आप एक स्पर्धा परीक्षा से यहाँ तक आए हो, तो आपका क्या अनुभव रहा है पूरा जो सफर था आपका एक कॉलेज स्टूडेंट से लेके जो एसीपी डीवाईएसपी तक, तो उसके बारे में आप कुछ खट्टे मिट्टे कोई भी जो भी अनुभव होंगे हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें, और स्टूडेंट्स जो हमारे शो देखते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए क्या मैसेज है? स्पर्धा परीक्षा का ऐसा है कि इंसान अगर खुद को उसको खुद को करने की इच्छा है कि नहीं मुझे करना है, तो वो एक साल के अंदर उसका आउटपुट आ जाता है अगर उसके अपने एफर्ट से। अगर किसी को लगता है, जैसे पेरेंट्स को लगता है या मेरा कोई दोस्त कर रहा है या ये कर रहा है वो कर रहा है, अगर हम ऐसे फैंटेसी वर्ल्ड में आके अगर हमको लगे कि हम वो प्रिपरेशन करते हैं तो थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि सेल्फ इंस्पिरेशन सेल्फ मोटिवेशन कभी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है रैदर देन। एंड ये तो स्टूडेंट लाइफ का रहा, वो मेरा तो इतना मैं एक साल में मेरा पहला अटेम्प्ट में ही मैंने क्लियर कर लिया, तो मुझे उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, पर हाँ हार्डवर्क बहुत करना पड़ा। जो हार्डवर्क करेगा और उसकी खुद की इच्छा है उसको रिजल्ट बखूबी मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। दूसरा, एक 2009 का एग्जाम देने के बाद मैं 10 को रिजल्ट आया, 2011 से मैं काम कर रही हूँ डिपार्टमेंट में। तो हर एक जिले के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, जैसे मेरा प्रोबेशन जलगांव में था, काफ़ी सेंसिटिव जिला था, कम्युनली काफ़ी सेंसिटिव है, बहुत चर्चा में भी है, क्राइम रेट भी बहुत था। मेरा पहला पोस्टिंग ब्रह्मपुरी में था, दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग पोस्टिंग, क्योंकि वहाँ पे दारूबंदी के काम थे, हम एकदम फिल्मी तरीके से रेड्स करते थे, फॉलोअप करते थे, और वहाँ पे क्राइम भी था। वहाँ पे हर जिले के अलग चैलेंजेस है, सिटी में थी, सिटी के एकदम अलग चैलेंज है, वहाँ का वर्किंग स्टाइल अलग है। नागपुर सिटी में 9 to रात को कभी भी हम कंप्लीट बिजी रहते हैं, मतलब सीनियर्स इतने होते हैं, फॉलोअप होता है, सारी चीज़ें कंटिन्यू, और वहाँ पे हर कोई काम एकदम आज दिया तो एक घंटे में चाहिए। कंपेरेटिवली नागपुर ग्रामीण इज रिलेटेड टू नागपुर सिटी, तो यहाँ पर भी हमारा जो है ना एसपी सर का भी वही है और हमारा भी वही है, जितने भी हम एसडीपीओज हैं, कि हम कल परसों में काम नहीं रखेंगे, आज का काम है आज ही करेंगे, जितनी जल्दी पेंडिंग्स है, जितनी जल्दी जो भी कोई इन्वेस्टिगेशन है, कोई भी चीज़ें हैं, वो हम एज पॉसिबल एज कंप्लीट करेंगे, और हमारे थ्रू जिस किसी के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे, एज पॉसिबल एज लोगों को न्याय मिलाकर देने की कोशिश करेंगे। तो ये थे हमारे डीवाईएसपी मैम, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और खास बातचीत में हम आपको नए नए इंस्पिरेशन मिलाते रहेंगे। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए स्टार एपिक्स न्यूज़ स्टार का वार।